आज हम आपको लेके जा रहे हैं शहीद करतार सिंह सराभा जी के गांव में। शहीद करतार सिंह सराभा का जन्म 24 मई 1896 को पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के सराभा गांव में हुआ। भगत सिंह शहीद करतार सिंह सराभा जी को अपना आदर्श मानते थे। ये सामान हमारा पैक हो गया है, तो अभी हम निकलने की तैयारी में हैं। नोनू चलो हमारे साथ, हमारे साथ चलोगे? चलो तो चलो भाई, क्यों नहीं चल रहे हो? ठीक है, आ जाओ फिर। रणवीर आपका मन नहीं कर रहा जाने का क्या? नहीं कर रहा है, स्कूल जाएंगे स्कूल जी। तो हम मौसी के घर से निकल पड़े हैं, तो अभी पेट्रोल फुल करवा रहे थे, तो रणवीर का थोड़ा मूड भी ऑफ हो गया है कि मुझे घर नहीं जाना है। रणवीर कैसे, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, कैसे गंदा से मुंह क्यों बनाया हुआ है अपने? चाचू की याद आ रही है। गाइस इसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था घर जाने के लिए, ऑब्वियस है कि बच्चा वहाँ पे अकेला रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा मन लग गया था इसका पंकज के साथ। तो चलो अभी इसका स्कूल भी स्टार्ट हो रहे हैं, अपने स्कूल तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया बट हम फर्स्ट से इसको भेज देंगे स्कूल ना। रणवीर बेटा क्या हुआ, आप ऐसे गंदा सा मुंह क्यों बनाया हुआ है आपने? और क्या, ऐसे गंदा सा मुंह बना रखा है आपने? तो गाइज आप देख सकते हैं कि रणवीर का थोड़ा मूड ऑफ हो गया है, ये अभी बात भी नहीं कर रहा है। तो गाइज मुझे ये बताओ कि जो पेट्रोल फुल कराता तो कौन कौन साथ में हवा भी अपनी चेक करवाता है गाड़ी में और बाइक में? हम तो करवाते हैं भाई, जब भी हम पेट्रोल फिल करवाते हैं कार में तो साथ में हम अपना टायर प्रेशर एयर प्रेशर चेक करवा लेते हैं, तो सभी को करवाना भी चाहिए टाइम से। अगर आप पेट्रोल फिल करवा रहे हो साथ ही साथ इसको भी चेक करवा लेना चाहिए एयर प्रेशर, क्योंकि आपको अगर लॉन्ग ड्राइव पे कहीं निकलना है तो टायर का एयर प्रेशर तो सही होना ही चाहिए। हम पहुंच गए हैं शहीद करतार सिंह सराभा के गांव में, तो आपको थोड़ा सा यहां का व्यू दिखाते हैं, यहां का उनका गांव कैसा है। आप सभी तो शहीद करतार सिंह सराभा जी को जानते ही होंगे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे। तो अभी हम उनके गांव में पहुंचे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा गांव का व्यू दिखा देते हैं और साथ में हम यहां पे जूस भी पी लेते हैं। रणवीर चलें जूस पीने। तो गाइज अभी हम जूस पी लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं शहीद करतार सिंह सराभा जी के गांव में। करतार सिंह सराभा जी के गांव में ही इनके नाम से एक डेंटल कॉलेज भी है। गांव में एंटर होते ही एक बहुत ही सुंदर गेट बना हुआ है, जिससे हम गांव में एंट्री कर रहे हैं। रुको रुको, जैसे देखिए छोटा छोटा गेट खुला है या नहीं खुला है? इधर से आओ। आपने बहुत सुना इस गांव का नाम, तो पता है ये किसका गांव है? शहीद करतार सिंह सराभा जी का गांव है ये, जो फ्रीडम फाइटर थे ना शहीद करतार सिंह सराभा, तो उनका गांव है ये। महान युग पुरुष अति देश भगत शहीद करतार सिंह सराभा,
आजादी दे इस महान आजादी दे इस महान को लाठी दा जन्म 24 मई 1896 नूं जिला लुधियाना दे पिंड सराबा विखे सरदार मंगल सिंह जी दे घर माता साहिब कौर दी कुखों होया। उस वेले कोई नहीं सी जानदा कि यह होनहार सपुत्र एक दिन अंग्रेजां नूं भारत तों कढ़न लई अपनी जान दी बाजी ला देवेगा। मुढ़ली सिक्ख्या प्राप्त करन तों बाद इन्हां नूं इन्हां दे दादा जी सरदार बचन सिंह ने उच्च विद्या प्राप्ति लई अमरीका भेज दिता। उत्थे जाके इन्हां दा मेल गदरी बाबा रूलिया सिंह जी ने अमेरिका में गदर पार्टी की नींव रखी थी। हाँ चल आगे चल रहे हैं, अभी देखेंगे। हाँ चलो। जुलाई 1912 में शहीद करतार सिंह सराभा जी अपनी हायर एजुकेशन करने के लिए अमेरिका चले गए और वहां उनकी मुलाकात बाबा रूलिया सिंह जी से हुई, जो कि गदर पार्टी के संस्थापक थे। तो गाइस, अभी मेरी पेंडिंग भी वजह से अंदर बंद किया हुआ है, पर हम आपको दिखा देते हैं कि अंदर इनकी कुछ फोटोग्राफ्स पड़ी हुई हैं शहीद करतार सिंह सराभा जी की फैमिली की, और कुछ पुरानी फोटोज़ हैं जो कि अच्छे में भी आपको क्लियर दिख जाएं। तो अंदर इनका रूम है शहीद करतार सिंह सराभा जी का, जो कि फ़िलहाल लॉक किया हुआ है, तो हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा फिर भी जूम करके शहीद करतार सिंह सराभा। आज किसके गांव में आए हैं रणवीर सिंह? हम शहीद करतार सिंह सराभा जी के गांव में। गाइस, हमें अपने बच्चों को ऐसी जगहों पे लेके आना चाहिए जो हमारी हिस्ट्री हमारे इतिहास को रूबरू कराएं। कहाँ पे जाना है? ऊपर चलते हैं। शहीद करतार सिंह सराभा जी के स्मारक के सामने ही बहुत ही अच्छा और सुंदर स्टेडियम बना हुआ है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हमारे चैनल्स का लिंक शेयर कीजिए।